हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। दोस्तों, मनरेगा संविदा कार्मिक संघ ब्लॉक शाखा टोंक राजस्थान ने माननीय सचिन पायलट साहब अध्यक्ष महोदय जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर राजस्थान को पत्र लिखा है। पत्र के इस बारे में दोस्तों आपको सब्जेक्ट देख के पता चल गया होगा। मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितकरण के संदर्भ में दोस्तों पत्र इस प्रकार है। मोदी जी, आप श्री के टोंक विधानसभा से प्रत्याशी बनने से टोंक सहित संपूर्ण राजस्थान में हर्ष का माहौल है। आपकी विजय श्री के लिए हम समस्त नरेगा कार्मिक संकल्पबद्ध हैं। मोदी जी, हम मनरेगा संविदा कार्मिक कांग्रेस सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना मनरेगा में पिछले काफ़ी लंबे समय से अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय हमारी कर्तव्य प्रायणता के कारण हमें नियमित करने हेतु पंचायत राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक एवं अधीनस्थ सेवा के नए पदों का सृजन करते हुए खुली भर्ती निकाली थी। तत्कालीन समय में हमसे लगभग आधे संविदा कार्मिक नियमित हो गए हैं, परंतु न्यायिक विवाद होने के कारण प्रक्रिया को रोक दिया गया था। उपरोक्त भर्ती के न्यायिक विवाद का निस्तारण भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 29/11/2016 को हो गया था, परंतु वर्तमान भाजपा सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण उक्त भर्ती को कांग्रेस की भर्ती कहते हुए आदिनांक तक पूरा नहीं किया, जिसके कारण राज्य के समस्त नरेगा कार्मिक के मन में काफ़ी रोष व्याप्त है। और हम संकल्पबद्ध रहते हुए राज्य में आपके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के गठन के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे। आप श्री से अनुरोध है कि कृपया कांग्रेस सरकार के गठन के बाद तुरंत हम गरीब कार्मिकों के साथ न्याय करने का निर्णय करते हुए पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति 2013 की कनिष्ठ लिपिक एवं अधीनस्थ सेवा की भर्ती को पुनः शुरू करते हुए विज्ञप्ति समस्त पदों की भर्ती पूरी कराने की कृपा करावें। आपकी अति कृपा होगी, सादर धन्यवाद। समस्त महानरेगा संविदा कार्मिक संघ जिला टोंक, जिलाध्यक्ष इमरान खान, महानरेगा संविदा कार्मिक संघ ब्लॉक टोंक। दोस्तों, ये पत्र लिखा है महानरेगा संविदा कार्मिक संघ शाखा टोंक ने। किस बारे में लिखा है? परमानेंट करने के संबंध में लिखा है कि आपको टोंक से टिकट मिल रही है, उसके लिए बधाई दी है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने कनिष्ठ लिपिक और SSR भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली थी, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इसको राजनीतिक द्वेष के कारण इसको पूरा नहीं किया और हमारे साथ अन्याय किया है। आपसे निवेदन है कि आपकी सरकार बनने के बाद हम गरीब संविदा कार्मिकों के साथ आप न्याय करें और इन उक्त दोनों भर्तियों को पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।